अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से कुछ बातें करूंगा और जो नए बंदे हैं उसे कितना जल्दी आना चाहिए, सऊदी क्यों आना चाहिए, इतना जल्दी क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये बातें बताऊँगा। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको बात समझ में आएगा और मैं आपका हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप नए बंदे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ से जाना है, कहाँ से जॉब पाना है, तो भी मैं आपका मदद करूँगा। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पे आप मैसेज करें, या तो आप फिर फ़्लाइट के टिकट का भी आपको इंतजार है और फ़्लाइट के टिकट के बारे में भी कुछ मालूम करनी है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर जो है आप मुझे मैसेज करें या तो कमेंट में कमेंट करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सऊदी गवर्नमेंट ने जहाँ पर इंडिया की फ़्लाइट को ओपन की 1 दिसंबर से आने की इजाज़त दे रखी, वो दूसरी तरफ सऊदी गवर्नमेंट ने 14 ऐसे अफ्रीकन कंट्रियों के ऊपर बैन लगा चुके हैं जहां पे कोरोना वायरस को बढ़ते हुए जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट है वो काफ़ी ख़तरनाक रूप ले सकते हैं। इसलिए अच्छा ये बातें हो कि सिर्फ सऊदी ही बैन नहीं लेगा, सऊदी के साथ साथ दुबई, बहरीन, कतर, ओमान यानी कि गल्फ़ के जितने भी देश हैं सब ने बैन लगा चुके हैं अफ्रीकन देश के साथ, और ये इन सारे देशों के साथ साथ आप फिलीपींस ने भी, जॉर्डन ने भी इन अफ्रीकन कंट्री के ऊपर बैन लगा रखा है, यहाँ तक कि इंडिया ने भी बैन लगा रखा है कुछ कंट्री के ऊपर। अच्छा ये बातें, दूसरी तरफ फ़्लाइट भी बहुत सारी कंट्री जो है वो सस्पेंड कर रही, जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले नंबर पर मोरक्को है, दूसरे नंबर पर इसराइल है। इंटरनेशनल फ़्लाइट 2 वीक के लिए ये पूरी तरह से बंद कर दी, यानी कि फिर माहौल दूसरे पिछले जानिब जा रहा है, जो आज से 2 मार्च में था जो सिचुएशन, वही सिचुएशन फिर से होने वाला है। दूसरी बात है, अगर आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं और आप एक डोज सऊदी अरबिया में लिए हैं और एक और उसके बाद आप गए हैं इंडिया, तो आप जब सऊदी अरबिया आएंगे तो आपको 3 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, 4 दिसंबर 1 बजे के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद जो लोग डायरेक्ट सऊदी अरबिया में दोनों वैक्सीन लिए हैं वो लोग तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ये तो बात सबको ही पता है, लेकिन जो इंडिया में है, जो वैक्सीन इंडिया में ही कंप्लीट किए उनके लिए कितने दिन के क्वारंटाइन है। पहले वो लोग भाया होकर आ रहे थे, भाया होकर आने के लिए नेपाल का, बहरीन का, मालदीव का, दुबई का रास्ता चूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आप डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट आने के बाद आपको 5 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाएगा जहाँ से आप काम करवाएंगे, जिस कंसल्टेंसी वाले से आप काम करवाएंगे, जिस ऑफिस वाले से आप काम करवाएंगे, उन्होंने आपको साथ ही पैकेज भी देंगे, क्वारंटाइन पैकेज, जो 5 दिन होने के बाद आपको PCR टेस्ट करवानी पड़ेगी। PCR टेस्ट के बाद फिर आप अपने स्पॉन्सर के पास, आप अपने कफील के पास, फिर आप अपने घर पर जा सकते हैं। तो ये थी बातें, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे ही इंडिया के केरला के CM ने ये कह दिया है कि जो लोग भी बाहर से आएंगे, विदेश से आएंगे, उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो इन सारे बातों में आपको ये समझ में आया होगा कि हालात फिर से पिछले जानिब की तरफ जा रही है, तो जो भी नए बंदे आना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी आएँ, और जल्दी जल्दी आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं ये कब तक ऐसा होगा, मैं उम्मीद करूँगा कि फ़्लाइट इंडिया से खुली हुई रहे, तकरीबन कुछ महीनों तक खुली हुई रहे, तो जो बंदे आने के वेट कर रहे थे वो चले आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।